35 बरस से माशाल्लाह गा रहे हैं और चोटी के फनकार की हैसियत से गा रहे हैं, अल्लाह की देन है। और ये तो मैदान ऐसा है कि इसमें बनते बिगड़ते देर नहीं लगती, बल्कि अक्सर ये देखा जाता है कि कुछ सालों के मेहमान होते हैं लोग, बिगड़ते देर नहीं लगती, बनते देर लगती है। बिल्कुल वजह बिगड़ते उसकी वजह क्या कहूं बताऊं, अव्वल तो अल्लाह की देन है, फिर मेहनत है। तो मेहनत तो मुझे अब मेरे बुजुर्गों ने इतनी करवाई है मुझे, और सही माने मेरी जो बुनियाद उन्होंने रखी है गाने के लिए, वो शायद ही कोई आर्टिस्ट ने वो बुनियाद इस्तेमाल की होगी, बुनियाद को मजबूत करने के तरीके। गाना जो है सांस का काम है, तो सांस को बढ़ाने के लिए उन्होंने दौड़ लगवाना, बैठकें लगवानी, डंड लगवानी, शाम को फिर आहिस्ता आहिस्ता जब फिर उम्र जूं बढ़ती चली गई, तो जब मैं 15-16 साल की उम्र में पहुंचा तो उस वक्त 2000 बैठक, 1500 डंड, 3-4 मील की दौड़, और शाम को 4 बजे के बाद 6-7 अच्छे पहलवानों के साथ जोर करवाना, यानी सूट छड़ी लेके चचा मेरे खड़े होते थे कि इसको सांस मत लेने दो। ये तो हुई सांस की तैयारी, गले की तैयारी कैसे करवाई उन्होंने? गले की यही प्रैक्टिस जो करता था मैं सुरमंडल से या तानपुरे से, तो उसमें मुख्तलिफ तान, मुख्तलिफ गायकी, तो इल्म जो था वो शुरू से ही उन्होंने मुझे वाकिफ करवा दिया था, तो घर से ही मुझे ये इल्म मिला है अपने खानदान से, मेरे वालिद साहब और चचा, तो मेरे चचा का ज़्यादा हाथ है इसमें। वो चूँकि पहलवान भी थे, तो पहलवान भी इसलिए बने वो कि वो ध्रुपद, मेरे वालिद और चचा दोनों ध्रुपद गाते थे, तो ध्रुपद गाने में सांस और ताकत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो लिहाजा वो पहलवानी उन्होंने भी इसीलिए इख्तियार की कि सांस बरकरार रहे। मेन चीज है सांस, गाने वाले का सांस जब तक कायम है वो गाता रहेगा। लेकिन मेरा इला मेरे चारा कर पास रे, वो दिल नवाज लेके नजर शना चारा कर कृपा चले दिल कभी 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 जो तेरे कुर्ब में गुजारे, कभी 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 जो तेरे कुर्ब में गुजारे, कभी 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 जो तेरे कुर्ब में गुजारे थे, अब उन दिनों का
تصور بھی میرے پاس اب ان دنوں کا تصور بھی میرے پاس میرا علاج میرے گزر رہے ہیں عجب مرحلوں سے دیدہ دل گزر رہے ہیں عجب مرحلوں سے دیدہ دل گزر رہے عجب مرحلوں سے دیدہ دل شہر کی آس تو ہے زندگی کی آس شہر کی آس تو ہے زندگی کی آس میرا علاج میرے چارہ گھر کے پاس کی نواز ہے لیکن نواز لیکن شناس نہیں میرا علاج میرے چار پاس دل نواز سانس سے گلے کی مٹھاس تو نہیں پیدا ہوتی نہیں گلے کی مٹھاس اور گلے کی کوالٹی آواز کی یہ تو اللہ کی دین ہے لیکن اس کو پھر بنانے کے لیے اس کے فارمولے ہیں وہ بزرگوں نے بتائے کہ سینے کی تان جبڑے کی تان حلق کی تان ناک کی تان یعنی آکار بنانے کہ آکار سارے کے سارے لوگ تو کہتے ہیں 12 آکار لیکن 12 نہیں ہیں ٹوٹل 10 آکار ہیں تو ان کو مضبوط کرنے کے لیے تو دن رات تو میرا مشکل سے مجھے 3-4-5 گھنٹے ملتے تھے سونے کے لیے رات کو باقی سارا وقت میوزک میں پریکٹس میں ریہرسل میں ریاضت میں یہ سب کلاسیکی گائکی کلاسیکل تو کلاسیکل پورا انہوں نے ہر چیز سے واقف کروا دیا یہ تو بنیاد ہوئی یہ بنیاد اور اس بنیاد کو آپ نے صنف بالکل بدل دی کلاسیکی سے آپ غزل کی گائیکی کی طرف آ گئے اور یہ 35 برس اس کو برقرار اس میں کیا راز 35 کا بھی بلکہ 40 کا ہی یہ سب کلاسیکل کی وجہ سے کیونکہ کلاسیکل تو کبھی بوڑھا ہوا نہیں یہ مثال زندہ ہے کہ ہزاروں سال سینکڑوں سال سے یہ راگ راگنی چلی آ رہی ہیں وہی مالکوس ہے وہی بھیرو ہے وہی بھیروی ہے وہی میاں کی ملہار ہے میگھ ہے بھوپالی ہے یہ نہیں بدلی لیکن ان کو جب شدھ طریقے سے گایا جائے تو یہ اپنے آپ کو ظاہر کر دیا کہ ہم ابھی زندہ ہیں محبت کرنے والے ہم ہوں گے
वक्त करने वाले कम होंगे, तेरी महफिल उनसे मैं जितना
बदगुमान अभी उनसे मैं जितना बदगुमान वो मुझसे इस कदर पर होंगे वो मुझसे इस कदर पर होंगे तेरी महफिल हम तो आपको 35-40 बरस से बहैसियत एक गजल गाने वाले के जानते हैं, आपका कभी जी नहीं ललचाया कि मैं क्लासिकी गाना भी लोगों को सुनाऊं? या कम से कम हमें तो जरूर सुनाइए। हाँ, वो इसलिए कि मैंने क्लासिकल का जो लुत्फ है, जो उसका निचोड़ है, वो मैंने ले लिया, और गजलों में भी मैं क्लासिकल इस्तेमाल करता हूँ। तमाम गजलें मेरी रागों में कंपोज हैं, तो उससे ये हुआ कि मुझे ऑलराउंड गाना आसान हो गया मेरे लिए। मैं फिल्में भी गाता हूँ, शुरू से गा रहा हूँ और अभी भी गाता हूँ, और लाइट क्लासिकल गजलें भी, तो वो क्लासिकल रंग भी है उसके अंदर। तो गजलों में क्लासिकल का टच देने से वो गजलें अमर हो गई। अंजुमन अंजुमन शला साए नसीब था शराय फिर भी दिल का नसीब था खुश्क आँखों से उम्र भर खुश्क आँखों से उम्र भर रोए खुश्क आँखों से उम्र भर रोए हो न जाए किसी की रुसे किसी ने मजाज गलत
सीने जब किसी जब किसी ने मजाज गम पूछा दिल तड़प उठा आँख भर गई दिल तड़प उठा आँख भर गई दिल की दिल का नसीब था नसीब कि आपकी बहुत सी कामयाब गजलें फिलबदी आपने गाई, कोई तैयारी नहीं थी, कुछ नहीं थी, आपको कलाम दिया गया या आपको एक दिन पहले बताया गया कि भाई ये कलाम गाना है और आप बगैर किसी तैयारी के रेडियो में जाके बैठे और आपने उसी वक्त कोई जी ये मुझे मेरे वाली साहब ने अल्लाह बख्शे उन्होंने फरमाया कि फिलबदी आपने इसी तरह जब गजलें तुम्हें मिले रेडियो पाकिस्तान से चार पांच तीन चार एक साथ गाने के लिए तो उसमें एक गजल की धुन बनाओ और दो या तीन को छोड़ दो उसकी धुन मत बनाओ उसके बाद जब अनाउंसमेंट हो तो सोच लो सुरमंडल मिला लो उस राग में जिस राग में तुमने गाना है और उसके बाद फिलबदी स्टार्ट लो और तर्ज बनती चली जाए और गाते जाओ। तो मैंने कहा वाले साहब से कहा कि जी इस तरह तो रेडियो से निकाला जाऊंगा मैं गलत भी हो सकता है कहने के नहीं गाओ और पूरा पूरे अपने विल पावर से कि आइटम खराब भी ना हो आया महफिल गारत गए हो आया मेरी महफिल गारत गए होश
تیری محفل غارت ویلی روشا آغوش توجه آغوش توجه وہ خود لیے بیٹھے تھے آغوش توجه بے ہوش اچھا تھا بے ہوش اچھا تھا نہ مجھے ہوش آیا بے ہوش اچھا تھا نہ مجھے ہوش آیا کیا تھا جس جوش ہے